हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स पैलेस। आज हम चैप्टर 6 के एग्जांपल्स करने वाले हैं। तो इस वीडियो में है एग्जांपल नंबर 1 करेंगे हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन एग्जांपल 1, लाइंस पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। पी क्यू और आर एस, ये दो लाइंस गिवन है, इंटरसेक्ट कर रही हैं एक पॉइंट पे विच इज़ ओ। इफ़ एंगल पी ओ आर, पी ओ आर ये वाला एंगल रेशियो एंगल आर ओ क्यू, आर ओ क्यू, एक एंगल ये पी ओ आर, सेकेंड इज आर ओ क्यू, ये दोनों एंगल की रेशियो गिवन है 5:7 है। तो हमें अदर एंगल्स बताने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो गिवन है वो लिख लेते हैं। हमारे पास गिवन है ये रेशियो और ये दो लाइंस जो इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो गिवन लिख के, तो सबसे पहले गिवन है लाइंस पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट ओ, क्लियर। सेकंड हमारे पास गिवन है एंगल पी ओ आर रेशियो एंगल आर ओ क्यू, इसकी रेशियो गिवन है 5:7। अब हमें प्रूव क्या करना है, सारे एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रूव, प्रूव करना है या लिख सकते हैं जो हमें फाइंड आउट करना है कि ये एंगल्स कौन कौन से हैं। यह एक काम करते हैं, गिवन हमने लिख लिया, प्रूव लिखने की बजाय हम क्या करते हैं, जो गिवन है उसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो दो एंगल पी ओ आर और आर ओ क्यू जो गिवन है हमारे पास, हम इन दोनों की जो रेशियो है 5:7, इनको हम इनके साथ एक वेरिएबल ले लेते हैं एक्स, ए बी, ए टू जेड कोई भी ले सकते हैं, मैं ले रही हूँ एक्स। तो यहाँ पे लिख लेते हैं लेट एंगल पी ओ आर इक्वल टू है 5x, एंगल आर ओ क्यू इक्वल टू में 7x, क्लियर। ये करने के बाद हमने क्या करना है, ये जो रे है ओ आर, इसे हम लेंगे, ये रे ले लेंगे और लाइन ले लेंगे पी क्यू। तो यहाँ लिखेंगे रे ओ आर इंटरसेक्ट लाइन पी क्यू। इसको क्या कर रही है, इंटरसेक्ट की जगह लिखेंगे जो ओ आर है रे लैंड, जो लाइन है पी के उसके ऊपर स्टैंड करती है। तो यहाँ लिख लेते हैं रे ओ आर स्टैंड्स ऑन लाइन पी क्यू। और हमने अभी एग्जाम भी पढ़ा था, हमने उसमें था कि जो ये लाइन है, जो रे है ओ आर, जब लाइन के ऊपर स्टैंड करती है तो इसके जो एसेंट एंगल्स होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, वो 180 डिग्री के इक्वल होते हैं। इट मींस ये जो एंगल्स हैं, एंगल पी ओ आर और एंगल आर ओ क्यू, ये एंगल्स बन रहे हैं दोनों, एक एंगल ये बनेगा और एक एक एंगल ये बनेगा, ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं आर ओ क्यू। तो ये किसके, इन दोनों का सम 180 डिग्री के इक्वल होगा। अब पी ओ आर और जो एंगल पी ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू, ये दोनों 180 के इक्वल हैं और गिवन हमें है एंगल पी और एंगल आर ओ क्यू की रेशियो गिवन है हमारे पास, जो हमने पीछे अभी लेट भी किया था, एंगल पी ओ आर 5x और एंगल आर ओ क्यू 7x। तो हम यहाँ पे इन दोनों को, ये जो वैल्यू है इन दोनों की, यहाँ पे डिनोट कर देंगे 5x प्लस 7x इक्वल टू में 180 डिग्री, और जब इनको प्लस करेंगे 12x इक्वल टू में 180 डिग्री, और x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, जब इसको हम 180 को डिवाइड करेंगे 12 से तो आ जाएगा हमारा 15। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 15 डिग्री। अब ये जो एंगल गिवन है इनकी वैल्यूज को हम 5x, जो x है 5x है, x लिख के और x से मल्टीप्लाई करेंगे जो x की वैल्यू आई है। अब एंगल पी ओ आर,
ये है हमारा 5x, क्लियर। तो ये क्या बन जाएगा, 5 इंटू 15 डिग्री है तो बन जाएगा 75 डिग्री। ये 75 डिग्री है। एंड नेक्स्ट एंगल आर ओ क्यू, ये हमने क्या किया था, यहाँ पे हमें गिवन था 7, एक्सिस के साथ लेट किया तो 7x था। तो x की वैल्यू को जब हम यहाँ पुट करेंगे तो 7 मल्टीप्लाई 15 डिग्री 105 डिग्री, क्लियर। अब हमारा जो पीछे डायग्राम था ये था एंगल पी क्यू आर और एस। जब ये एंगल एंगल पी ओ आर हमारा 75 डिग्री आ गया और ये एंगल हमारा आर ओ क्यू 105 डिग्री आ गया। तो अब याद करो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स जो हमने पढ़ा था अभी पीछे, उसके अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो ये एंगल एंगल पी ओ आर इक्वल टू हो जाएगा एंगल एस ओ, ये सॉरी क्या हुआ है, एस ओ क्यू के, क्यों, क्योंकि ये दोनों एंगल्स वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं। तो यहाँ ब्रैकेट में ले देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और जो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स होते हैं वो ऑलवेज इक्वल होते हैं। तो एंगल पी ओ क्यू अगर हमारा 75 डिग्री है तो यहाँ पे सॉरी इसको हम इस तरह से लिखेंगे, अगर एंगल हमारा पी ओ आर 75 डिग्री है इसलिए एंगल एस ओ क्यू भी हमारा क्या हो जाएगा 75 डिग्री, वर्टिकल अपोजिट एंगल है तो इक्वल होंगे, ठीक है। अब आ जाती है बारी सेकंड की, वो भी ऐसे होगा आर ओ क्यू, इसको भी हम ऐसे लिखेंगे एंगल आर ओ क्यू इक्वल है एंगल इसके पी ओ एस के, पी ओ एस सेम वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं। तो अगर एंगल आर ओ क्यू हमारा कितना है 105 के बराबर है, एंगल आर ओ क्यू 105 डिग्री है तो इसलिए क्या हो जाएगा एंगल पी ओ एस भी 105 डिग्री हो जाएगा। तो यही बताने थे हमें चारों, उसके अदर एंगल्स बताने थे चारों। अब ये भी वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं तो सारे हमारे, ये 75 है इसके सामने वाला वर्टिकल अपोजिट 75 105 डिग्री, तो सामने वाला वर्टिकल अपोजिट 105 डिग्री, बस यही बताना था। होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, अगर डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्थी एंड कीप कनेक्टेड टू मैथ्स पैलेस।